जमुई में शिक्षकों के साथ हुई पिटाई की घटना को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मामले को गंभीरता से लिया है। हाल ही की घटनाओं के मद्देनजर आज हुए खुद स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित शिक्षकों से मुलाकात की और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को सुरक्षा और आश्वासन प्रदान करना था, ताकि वे निर्भीक होकर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय और उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया और शिक्षकों को स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस दौरान शिक्षकों ने हाथ जोड़कर अपनी सुरक्षा के प्रति चिंता जताई और कहा कि सर मुझे बचा लीजिए, यहाँ गुंडे बहुत हैं। एसीएस ने शिक्षकों की इस चिंता को गंभीरता से लिया और कहा कि सुरक्षा के सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर जमुई के पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षक को डरने की जरूरत नहीं है और प्रशासन पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि स्कूल के आसपास पुलिस की तैनाती की जाएगी, ताकि शिक्षक निडर होकर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सके। एसपी ने भी बताया कि शिक्षकों के साथ मारपीट करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्दी ही उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। जमुई के जिलाधिकारी ने भी शिक्षकों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं होगी और प्रशासन हमेशा उनकी रक्षा में तत्पर रहेगा। डीएम ने सभी शिक्षकों से अपील की कि वे अपने कर्तव्यों का पालन निर्भीक होकर करें और किसी भी समस्या का सामना करने के लिए प्रशासन उनके साथ है। घटना के बाद प्रशासन ने शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जमुई के शिक्षण संस्थानों में पुलिस की उपस्थिति बढ़ाई जाएगी, ताकि कोई भी शिक्षक असुरक्षित महसूस नहीं करे। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि शिक्षा विभाग और प्रशासन उनके साथ मजबूरी से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि शिक्षा विभाग और प्रशासन उनके साथ मजबूती से खड़ा है और इस तरह की घटनाओं को दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। किस रूप में देखते हैं पूरी घटना? देखिए, ये शिक्षकों के से मारपीट जरूर हुई है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने आरक्षी अधीक्षक को बुला है और इस संबंध में अरेस्टिंग भी हुई है और जो मुख्य आरोपी जो फरार है वह आजकल वो झारखंड में घूम रहा है, तो उसको भी अरेस्ट करने के लिए अलग से टीम बनाकर आरक्षी अधीक्षक कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये कहा है कि जो भी शिक्षक को हाथ भी लगाएगा या तंग करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस संबंध में कड़ी कार्रवाई आरक्षी अधीक्षक को करने का है। सर, शायद ये बिहार की पहली घटना होगी कि क्रिमिनल कैंपस में आते हैं और शिक्षकों के साथ मारपीट करते हैं, इवन की दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है और रंगदारी। देखिए, हम लोगों ने कहा है कि कोई भी शिक्षक के साथ कोई भी घटना छोटी हो या बड़ी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी। हम लोग शिक्षकों के लिए एक भय मुक्त वातावरण स्कूलों में स्थापित करना चाहते हैं और किसी परिस्थिति में किसी प्रकार की घटना हम लोग शिक्षकों के जरूर टॉलरेंस नहीं करते। आपके सामने भी टीचर्स में अपनी बात रखे हैं तो उन्होंने बताया कि आज आपके कारण आ गए हैं, तो क्या कल से सारी व्यवस्था? नहीं, हम लोगों ने एक फोर्स रखा है और एसपी साहब पूरी सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर करेंगे कि स्कूल बिना किसी डिस्टर्बेंस के और बिना किसी भय के संचालित होगा। और आरक्षी अधीक्षक महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है और लोकल थाना भी इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर किसी प्रकार की घटना और टीचर्स के विरुद्ध नहीं होगी। सर, आपको लगता नहीं कि बंदूक के साए में शिक्षा नीतीश कुमार की सरकार में? देखिए, मैंने ये कहा है कि किसी प्रकार का भय मुक्त हम लोग भय मुक्त वातावरण शिक्षा में देंगे और किसी भी प्रकार की घटना किसी भी टीचर के विरुद्ध हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे और कड़ाई से कड़ाई कार्रवाई हम लोग करेंगे। नहीं, हम लोग कहें ना, हम लोग ये इंश्योर करेंगे, हमारा काम इंश्योर यह करना है कि किसी प्रकार का भय किसी टीचर को नहीं होना चाहिए और भय मुक्त वातावरण में शिक्षा। सर, छठ पर्व आ रहा है, हिंदुओं का आस्था का पर्व है, छुट्टी को लेकर टीचरों में बहुत सारी वहाँ की स्थिति है। हम लोगों ने जो शिक्षक हैं सर, वो भी छठ पर करती हैं सर, खास करके महिलाएं करती हैं सर। हम लोगों ने छुट्टी अच्छा जिस दिन करना है उस दिन छुट्टी दे दिया, वो नहाए खाए के दिन नहीं मिला है सर। ठीक सर, हमको तो ज़्यादा झूला के प्रभार पड़ रहा है, छीना छिया सुनिए सर, 70 लाठी इसको मारा ही चलते कि हम प्रभार करेंगे सर, हम इनको प्रभार दे दिए इसलिए भी है और इसके चलते काहे तुम लिया, तुम हीरो है, 70 लाठी गिन के मारा हमारे तो मर जाता प्रहलाद कुमार। क्या है आप, कौन से विद्यालय में?
हम हैं UHS बसतपुर में है सर। मुकदमा हाँ सर, हम आया, वो लोग आया, उसके बाद में हम ऑफिस से निकल रहे थे, ब्लॉक करके 4:20 हुआ था, 4:30 में हम लोग को आउट करना था। उसके बाद में हल्ला सुने थे, बाहर निकले तो उससे पहले संजीव सर को मार रहे थे, और उसके बाद हमको आया तो बोला, हमको गाली गलौज के साथ बोला कि तुम बहुत बड़का प्रभार है, तुम क्यों प्रभार लिया, उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। यस यस, हाँ हाँ, बहुत सारी धमकियाँ दी और उसके बाद में मारना शुरू किया। और उसके बाद आज आपके ऐसे साहब आए हैं तो क्या लगता है आपको, इंसाफ मिलेगा क्या? उम्मीद, हाँ उम्मीद है सर। क्या मांग कर रहे हैं सर? मांग हमको सिर्फ यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि हमको बोल के गया कि तुमको गोली मार देंगे, उसी समय फरमान जारी किया सर। पहले 50 लाठी मरवाया, उसके बाद 20 लाठी खुद अपने से मारा, और नाम भी बताया कि मेरा नाम राजेश यादव। And even also, and now I am speaking in front of you, I am not believing what has happened with me. And even given that much beat, वो सीधे वहाँ से गाड़ी लगा करके सर एंट्री किया सर, और उस तक यही पहला सर है सर, बस यहाँ पर जो इतना बड़ा चाकू रखे हुए थे सर, बस ऐसे करके उठाए हुए वहाँ से अंदर आया सर। सबसे पहले हम आगे आए सर, तो हमसे कुछ बात करेंगे, लेकिन बात करने से ऐसे चलाया वह हम भागे, बिक्री मांगा कि यहाँ चाकू मिला सर मेरे घर से, पहला सर यहीं बैठे हुए थे यहाँ यहाँ आसिम सर से, बस हम तो भाग गए सर, बाकी भैया 3-4 टीचर यहाँ पकड़ा गए, इन लोग को सर 70 लाठी मारा है सर, और उसके बाद इन लोग को तलवार से। हाँ, अपना नाम हम पहले नहीं पहचानते थे सर, ऐसा अपना नाम वो राजेश यादव बताया जाते कि हम राजेश यादव हैं। अच्छा, इसी से कौन राजेश यादव? सर बहुत मारा सर हम लोग, हम बचा ले सर, यहाँ चुप नहीं कर पाएंगे, यहाँ दोबारा आओगे तो उड़ा नहीं कर पाएंगे, कहीं भी दे दीजिए हम लोग ट्रांसफर कर दीजिए। हम बीआरसी के पे लिख के भेजे सर, 2 घंटा हमको फोन आया, तुम्हें सब जगह लिख के भेज रहा है, ट्रांसफर को आओ तो बताते हैं हम लोग को बचा लीजिए सर। सर हमको तो डायरेक्ट बोला कि तुम प्रभार के तलवार से मार हो गए, तब हम बच गए ना, देखिए यहां से पिस्टल लगा और यहां फटा हुआ, ये तो पूरा चीज हम लोग को तो प्रभार बन गए कल 70 सर। देखें नहीं ये बता रही है, बता रही है, अरे ठीक है भाई, ठीक है, सुनिए सर, 70 लाठी इसको मारा ही चलते कि हम प्रभारियन कर गए सर, हमसे डायरेक्ट हम इनको प्रभार दे गए, इसलिए रही है, और इसके चलते काहे तुम लिया, तुम हीरो है, 70 लाठी गिन के मारा, अब तो हमारे साथ में तो मर जाता सर, तो छोड़ेगा भी नहीं सर, एकदम मर्डर ही कर देगा, उसको तो अंदर कर देगा, उसको आने से करेगी, उसका चमचा तो है, वो बोलता है कि हम जाएंगे बाहर निकल जाएंगे, वो नहीं है सर, 10-12 घंटे कुछ तो रहते ऊपर बाहर, और हमको तो डायरेक्ट धमकी देके गया सर। उसके बाद 4-5 गाड़ी उधर लगी हुई थी, बाइक से भी आया था, घर से बाहर निकाल लेंगे, नहीं सर मारने वाले दोनों नहीं, वो 3-4 में थे, और उसके बाद में बोलेरो में रखा हुआ था, सामान वामान सब अंदर थे, और उसके बाद में उधर एक गाड़ी आई थी सर, और 2 लोग आए थे जो इंडिपेंडेंट वहाँ का लोग कह रहे हैं जो इसी गांव में जो